व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 भैया वर्सेस बीस्ट मूवी के डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। क्योंकि और क्लेश में रिलीज हो रही है, तो आप लोग को पता है कि सबसे ज्यादा बड़ा टक्कर होगा 2022 का बिगेस्ट क्लेश माना जाए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगा। और बात करेंगे कि आगे कौन सी मूवी जीत पाएगी, पहले दिन पर कौन सी मूवी सबसे ज्यादा कलेक्शन कर पाएगी, तो चलिए बात करते हैं उसके ऊपर। तो मैंने ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था और कमेंट में सब बोल रहे थे कि 3000 करोड़ केजीएफ करेगी और बीस्ट मूवी 500 करोड़ 2000 करोड़ कलेक्शन करेगी। लेकिन मैंने काफ़ी जगहों पर चेक किया है कि पहले दिन पर कौन सी मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है, जो आप लोग स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा कलेक्शन करेगी। तो वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चूंकि आप लोग यार भूल जाते हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो वो लोग सबसे पहले बात करें विजय थालापति की न्यू मूवी बीस्ट के बारे में। तो इस मूवी का जो बताया जा रहा है बजट, वो लगभग 100 से 125 करोड़ तक बजट इसका बताया जा रहा है। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस मूवी की जो पहले ही दिन पर कलेक्शन बताई जा रही है, मैंने काफी जगहों पर चेक किया, हर जगह पर यही कलेक्शन बताया जा रहा था कि 100 करोड़ से भी ज्यादा ओपनिंग ले सकती है पहले दिन पर। तो है ना बड़ी कमाल की बात, क्योंकि मैं तो भैया काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि थाला विजय की जो मूवी होती है उसमें आप लोग को मास मसाला देखने को मिलता है और साथ ही साथ उसकी फैन फॉलोइंग, तो भैया उसको तो दिल करता है कि ऐसे फैंस तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि सल्यूट करना चाहिए। इतने प्योर, इतने भैया ईमानदार फैंस हैं उसके, जो थिएटर में उसकी मूवी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार देखते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं कि 100 करोड़ जो आप लोग को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है। आप लोग को यही लगता है कि 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है, और उससे भी ज़्यादा आप लोग को लग रहा होगा कि 200 करोड़ तक कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि थाला विजय की पावर, भैया आप लोग नहीं जानते क्या पावर है बॉस। तो अब अगर बात करें केजीएफ चैप्टर 2, जो एक मॉन्स्टर है, एक ब्रांड है जो टकराने वाली है बीस्ट के साथ, तो वो कितना कलेक्शन कर सकती है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि हाल फिलहाल उसका बजट जो बताया जा रहा है वो रियल नहीं है। 100 करोड़ कुल बजट बताया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, 100 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन हो सकता है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस मूवी का जो कलेक्शन पहले दिन पर वर्ल्ड वाइड जितनी भी जगहों पर रिलीज होने वाली, क्योंकि आप लोग को सारे लैंग्वेजों में देखने को मिल जाएगी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कनाडा, हिंदी में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। और इस मूवी का लगभग 350 करोड़ से भी ज़्यादा पहले दिन पर ओपनिंग का भैया नाम आ रहा है। हाँ, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पर चेक किया, एक जगह पर आ रहा था 340 करोड़, तो दूसरी तरफ आ रहा था 350 करोड़। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो हमें कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इतना कलेक्शन कर सकती है? मुझे तो भैया डाउट हो रहा है कि इससे ज़्यादा भी कलेक्शन कर सकती है और इससे नीचे भी कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि केजीएफ की तो भैया क्या ही बात करें, क्योंकि उसकी हाइप, ओ माय गॉड, आप लोग छोटी से छोटी एक न्यूज़ ले लें वो भी कहीं से कहीं ब्लॉकबस्टर बन जाती है। तो ये तो मूवी है और इसके लिए तो काफ़ी सालों से वेट किया जा रहा है, तो 350 करोड़ डिजर्व कर सकती है और कलेक्शन कर भी सकती है। तो आप लोग को क्या कहना है इसके ऊपर, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस मूवी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें और आप लोग किसके फैन हो, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे भी आप लोग को ऐसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वीडियो देखनी हो तो इसके लिए सब्सक्राइब करो, ताकि अपडेट मिलती रहे आप लोग को सबसे पहले।